महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कल्याण में किसानों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां नेवाली गांव में किसानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो चला है। एयरपोर्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण जो की गई है, उसका विरोध ये किसान कर रहे हैं, और इसको देखते हुए कई गाड़ियों में आग लगाई है। पुलिस पर भी हमला बोला है किसानों ने। कल्याण करजत हाईवे पर पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हुई है। हमारे सहयोगी सुभाष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर वहां पर, क्या अभी ये भिड़ंत जारी है? अभी भी भिड़ंत जारी है और सैकड़ों जो गांव वाले हैं लोकल, वो वहां पे सड़क पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये जो नेवाली गांव की जो जमीन है, यहां पे दूसरे विश्व महायुद्ध में एक एयरपोर्ट ब्रिटिशों ने बनाया था, लेकिन उसके बाद वो खाली छोड़ा गया था। अब फिर से जो एयरफोर्स है वो फिर से इसको अधिग्रहण उसका करना चाहती है और गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं। जी सुभाष, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन के पास, जहां पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हुई है। यहां पर कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। सुभाष, कई वाहनों को भी यहां पर आग के हवाले किया गया है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। संपर्क हमारा सुभाष से नहीं हो पा रहा है, तो किसानों ने यहाँ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल को इलाके में भेजा गया है। हिंसक हुआ है किसानों का प्रदर्शन। कल्याण करजत हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस से भी किसानों की भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स का निर्माण करने के लिए यहाँ पर जमीन अधिग्रहित की गई है। इसको देखते हुए किसान विरोध कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है और अब यह प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो चला है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, भिड़ंत हुई है पुलिस के साथ, और कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस जो है वो इन किसानों को काबू में करने की कोशिश की कर रही है, किसानों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर। नेवाली गाँव में पुलिस पर हमला बोल दिया इन किसानों ने, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर मोटरसाइकिल और पुलिस की वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। कल्याण और करजत हाईवे पर ये पब्लिक और पुलिस में भिड़ंत हुई है। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर भेजा गया है। कई वाहन आग के हवाले किए जा चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही है किसानों को शांत करने की, लेकिन प्रदर्शन जो है वो अब भी जारी है और पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत भी लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन के पास, जहां बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर पहुंचे हैं और पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हो रही है। तो लंबे समय से जमीन अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब ये विरोध जो है वो हिंसक हो चला है। पुलिस पर हमला किया है किसानों ने और वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को आग के हवाले भी किया गया है। तो अंग्रेजों के जमाने में जो एयर फोर्स स्टेशन यहां पर बनाया गया था, उसको एक बार फिर से बनाने की कोशिश की जा रही थी एयरफोर्स की तरफ से, उसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। किसान इसी का ही विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर नेवाली गांव में पुलिस पर किसानों ने हमला बोला है और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। तो एयरफोर्स के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें, लंबे समय से किसानों का ये प्रदर्शन जारी है, लंबे समय से मनाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। किसानों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने जब किसानों को शांत कराने की कोशिश की तो किसान और भी ज़्यादा उग्र हो गए और उग्र होने के बाद तमाम वाहनों को आग के हवाले इन किसानों ने कर दिया है। और हमारे सहयोगी सबदेश मालवीय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबदेश, इस वक्त के क्या कुछ हालात हैं? किसानों को काबू कर लिया गया है या अब भी पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है? जी मैडम, देखिए यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस की यंत्रणा कम पड़ी थी, इसके लिए ये आगजनी और जगह पर टायर पत्थर किए गए, टायर जलाए गए हैं और गाड़ियां जलाई गई, यहाँ तक कि पुलिस वैन तक जला दी गई है। पुलिस ने तो हालात जो हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है लगातार किसानों को शांत करने की, लेकिन लगातार उग्र होते किसान, यहाँ पर तमाम वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की टीम पर हमला बोला है किसानों ने, हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर तैनात होगा अतिरिक्त पुलिस बल। किसानों को शांत करने की कोशिश, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया,
हिंसक प्रदर्शन, किसानों का जमीन अधिग्रहण का विरोध ये किसान कर रहे हैं।